सही बात है भाई, भाई। एक बांग्लादेश की भी स्टोरी आप बता देते हैं बताओ भाई क्या सीन है ये तो बांग्लादेश से मेरे पास एक स्टोरी आई थी लड़का बेचारा बता रहा था कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था उसके साथ ये सब सीन हुआ था और जो सीन हुआ था वो भी क्या था जिस लड़के के साथ हुआ था ना उसका नाम था हाफिज तो हाफिज़ जो था जिसने बताने वाला उसके बगल वाले घर में रहता था और हाफिज़ जो था जो जो बताने वाला ना उसके छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था तो इनके यहाँ पे क्या होता है ना अः रात को जिस लड़के के अंदर मतलब हुआ था हाफिज हाफिज़ को उसकी मम्मी ने बोला बेटा अच्छा कूड़ा फेंक के आ रहा तू तो ये निकला बाहर और इसने देखा कूड़ेदान तो पूरा पूरा फुल पड़ा हुआ है शायद बांग्लादेश में होता होगा ऐसा कि बहुत ज्यादा कूड़ा एक साइड जमा कर दिया तो इसने क्या करा देखा कूड़ा अगर ये फेंकेगा तो सारा गिर जाएगा कूड़ा तो इसने क्या करा थोड़ा सा आगे चला देखा एक पेड़ है वहां पर कुछ दिए भी जल रहे थे इसने इधर उधर देखा कोई भी नहीं कूड़ा फेंक दिया उस पेड़ पे जैसे इसने कूड़े पे एकदम से जैसे इसने पेड़ पे कूड़ा फेंका ना एकदम से तो इसने आंख ब्लिंक की इसने देखा इसके साइड में जो लड़का है जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है इसने जैसे ब्लिंक करके देखा इसने देखा उसकी गर्दन कटी पड़ी है ओ एकदम से इसे ये विजिबल हुआ दूसरी ब्लिंक करा ना वहाँ पर कुछ भी नहीं था ये देखता एकदम से यू करके कि शायद मेरे को कुछ हुआ है ठीक है ये क्या करता है अपने घर वापिस आने की तरफ चल देते हैं तो इसका जो दोस्त था ना वो इसे रास्ते में मिलता है पूछता है कि क्या हुआ तेरे साथ क्या नहीं हुआ बोलता है यार मेरे को अजीब सा लग रहा बहुत है बहुत ज़्यादा और किसी को नहीं बताता क्या हुआ है भाई ये वापस घर पे आ जाते हैं उस दिन वो लड़का जैसे घर पे आता है ना उसकी शादी भी हो रखी है उसका एक बच्चा भी था हाफिज़ की शादी हो रखी है और एक बच्चा था वापस आने के बाद वो क्या करता है बोलता है अपनी बीवी को कि आ, मुझे पानी पीना है तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम कुछ खा लो ना पहले खा तो लो पानी बाद में पी लेना खाना नहीं है क्या सुबह से कुछ खाया नहीं है तो वो जो बंदी है वो उसे बोलती है खाने के लिए ये बोलता है नहीं नहीं मुझे पानी चाहिए तो ये एक लीटर की बोतल लेके आती है ये पीना शुरू करता है एक लीटर की बोतल ख़त्म एक घूट में एक घूट में उसके बाद पानी और लेके आ दो बोतल, तीन बोतल, चार पाँच दस बीस तीस चालीस बोतल ये उस टाइम पे पानी पीता है ये भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग में बीवी ने रिएक्ट नहीं करा जब उसने तीसरी चौथी बोतल मांग ली तभी बंदा हैरान हो जाए क्या कर रहा है जब बीवी ने बोला था ना कि तुम क्या कर रहे हो उसने सीधा बोला था या तो तू दे दे या मैं बाहर जाके ठूटी से पी लूंगा अच्छा बीवी ने नॉर्मली जो फ्रिज में लगी हुई थी देते गए वो <laughs> <laughs> अब भाई तुम ठूटे किस चीज को समझ रहे हो इस एक्टिविटी पे तू दे दे ठूटी से पी लूंगा सोच पूरे शहर का पानी पी जाता अगला सोच नलके अभी तो ये भी आएगा नलके वाला हाँ भाई प्लीज तो उसने बोला कि या तो आप मुझे पानी दे दो शांति से तू मुझे पानी दे दे वरना मैं नलके से पीना स्टार्ट कर दूंगा पानी को तो बीवी ने क्या करा उसके बड़े भाई को बता दिया तो उसका बड़ा भाई कहीं बाहर रहता था दो दिन बाद उसका बड़ा भाई आया तब तक ये डेली इंसिडेंट चल रहा है कि वो बंदा चालीस से पचास बोतल पानी पी रहा है अच्छा अगले दिन भी उसने 40 से 50 बोतल पी है उससे अगले दिन भी 40 से 50 बोतल पी है उसका बड़ा भाई आता है घर में और हाफिज़ से पूछता है कि तू पागल वागल हो गया तेरे को कोई होश नहीं है तेरा बच्चा है बीवी है तू ये हरकतें कर रहा है अपने बड़े भाई को खींच के मारता चाटा और है तेरी। चाटा मारते हैं उसे उसका भाई ना उस टाइम पर उससे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो समझ जाता है कि इसके अंदर हाफिज नहीं है कुछ और है वो बंदा क्या करता है पलटता है और अपने बाहर निकल जाता है और पापा को फोन कर देता है कि बदला बदला सा व्यवहार कर रहे है और बाथरूम तो फिर जाता ही होगा वो बार बार वो तो खैर बात कुछ होता ही नहीं तो उसको बैठा ही हुआ है पिए जा रहा है ये नहीं आता कि भाई कितनी बार वो बाथरूम में गया लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ डेली उसका ये सीन चल रहा है कि वो डेली बेसिस पे 40 बोतल पानी पी रहे है एक एक लीटर वाली डेली बेसिस पे सात दिन बाद एक मौलाना को बुलाया जाता है और मौलाना उसे देखते ही बोलता है कौन है तू भाई वो एक स्माइल करता है और मौलाना के सामने बैठे बैठे उसकी आँखें जो है ना पूरी काली हो जाती हैं मौलाना हाथ खड़े कर देता है कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता इसे मैं नहीं कर सकता ठीक और ये किसी भी टाइम मर भी जाएगा ठीक है हाँ ये सात आठ दिन की पूरी इतना होता है तो क्या होता है इसका पानी देना बंद कर देते हैं मौलाना बोलता है भाई इसे या तो पानी देना बंद कर दो इसकी बॉडी फटफुट आ जाएगी ये पी कैसे रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा तो ये क्या करते हैं उसकी बीवी ना सारे पानी वानी फ्रिज में से सब गायब कर देती है आठवें दिन उसकी बीवी सामान लेने जाती है और वापिस आके देखती है कि ये बंदा बाथरूम में बैठा हुआ नल खोल के और मुँह ऊपर है और पूरा पानी इसके मुँह में जा रहा है बिखर रहा है और ये उसी में से पानी पी रहा है ये फटाफट से अपने बगल में जितने हैं ना उनको आवाज़ लगाती है कि ऐसे ऐसे हाफिज़ जो है नलके का पानी पी रहा है और दिन में इतना इतना पानी पी जाता है आठ दिन दस दिन बाद पहली बार मोहल्ले को पता चलता है कि चल क्या रहे ये फटाफट से अंदर आते हैं बोलते हैं कि सब का वज़न ना सत्तर अस्सी नब्बे किलो था उस साठ सत्तर किलो के इंसान को कोई उठा नहीं पाया वहाँ से अगर वो बाथरूम में बैठा हुआ यूं मूँह करके तो उसको कोई उठा नहीं पा रहे हैं सब कोशिश कर रहे हैं नहीं उठा पा रहे आखिरी में हाथ खड़े कर लेते हैं नहीं होगा हमसे नहीं होगा दस दिन बाद ना इसकी कुछ चीजों में चेंजेस आते हैं जैसे पता क्या होता है ये ना अपनी आंख पर पट्टी बांध लेते हैं कि कमरे से बाहर नहीं आ रहा रात को बाहर आ रहा है दिन में बाहर नहीं आ रहा अगर दिन में बाहर आ रहा है ना आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और बाहर आ रहा है आंखों पे पट्टी बंधी है तो कुछ दिखेगा नहीं इसे सब पता है क्या है सीढ़िया भी चढ़ रहे हैं किचन में काम भी कर रहे हैं आंखों पे पट्टी बंधी हुई है एक दिन इसकी बीवी जाती है कमरे में इससे बोलती है कि तुम मेरे को बता दो मेरे को जीने दोगे या नहीं जीने दोगे तो ये बोलता है कि तेरी मौत का भी वक्त आएगा तू परेशान मत हो पहले तो हाफिस को लेके जाऊंगा ये बंदा पट्टी खोलता है पट्टी खोलने पर इसकी जो ब्लैक होती है पूरी आंखें ब्लैक होती है ये फिर बताती है अपने उसको फादर इन लोगों को कैसे ऐसे हाफिस में कोई चीज़ आ रखे इसे ठीक करा लो बारह तेरह दिन बाद इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इसका शरीर बहुत तपने लगता है तो ये मान लेते हैं कि इसकी शायद आखिरी सांसें बची थी एग्जैक्ट बारह तेरह दिन बाद ये प्लान करते कि ऐसा ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है इसे काम करते हैं हॉस्पिटल लेके चलते हैं तो एक डॉक्टर को बुलाते हैं उसके दो इंजेक्शन लगवाते दो तीन इंजेक्शन बेहोशी के हालांकि जो इंसान है वो एक में भी मर्चित हो जाता बुरी तरीके से इसको तीन इंजेक्शन दिए जाते हैं तीन इंजेक्शन देने के बाद इसे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करते हैं ना जब वो तो रास्ते में ब्लकना शुरू हो जाता है तीन इंजेक्शन के बाद भी कि एकदम से कुछ हो रहा है इसको अंदर बॉडी में चहल चहल चल, चलाट सी हो रही है कि मुझे उठना है उठना है पर बॉडी कंट्रोल नहीं करी क्योंकि इंजेक्शन लगे हुए हैं हॉस्पिटल में लेके जाते हैं डॉक्टर देखते क्या हुआ इसे तो ये डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताते बोलते कि इसकी तबीयत खराब है बारह तेरह दिन से एग्जैक्ट फोर्टीनथ डे था वहाँ लेके कर जाते उसे और क्या करते हैं सारे रिलेटिव्स होते हैं वो बाहर होते हैं इसके मुंह पे मास्क बांध देते हैं ऑक्सीजन मास्क और डॉक्टर नर्स ना सिर्फ फैमिली से बात करने के लिए आए थे कि इनकी बॉडी में ब्लड नहीं दिख रहा हमें ठीक है हाँ ब्लड नहीं दिख रहा है तो इतने में बाहर आके देखते हैं ना और वापिस आके देखते हैं तो वो जो ऑक्सीजन मास्क था वो हटा हुआ था और हाफिज़ मर चुका था अच्छा अब क्या हुआ इसके बाद फैमिली वाले बहुत ज्यादा डिस्प्यूट करने लग गए कि लड़का अभी हम लेके आए थे वो मर कैसे गया हम सही सलामत लेके आए थे ऐसे था वैसे था उस दौरान फिर बांग्लादेश में पुलिस में केस भी दर्ज हुआ था कि ऐसे ऐसे जो है इन हॉस्पिटल है हॉस्पिटल वालों ने कुछ कर दिया मतलब हाँ हॉस्पिटल वालों ने हमारे लड़के को जान से मार दिया ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया इसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोली गई तो उसमें डॉक्टर ने अनाउंस किया ये लड़का चौदह दिन पहले ही मर चुका था अरे बाप रे। इन बिटवीन उसके शरीर में एक जिन रह रहा था चौदह दिन दिन से इसमें एक एक्टिविटी और हुई थी जो थोड़ी सी मैं मिस कर गया जब चौथा पांचवा दिन था ना तो जो इसका बच्चा था हाफिज उसे लेके अपनी छत पे गया था और अपने बच्चे को उसने यू लटका दिया था दूसरी तीसरी मंजिल से कि मेरा वक्त आ रहा है इसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा मोहल्ले वाले वहां पर आए उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की हाफिस तेरा बच्चा है तेरा बच्चा है तेरा बच्चा है तब जाके बच्चे को छुड़वाया था वरना उस बच्चे को दूसरी तीसरी मंजिल से छोड़ देता एट दी एंड जब पता चला कि भाई चौदह दिन पहले जिस दिन उसके अंदर वो पोजेशन आया था ना उसी टाइम जो गर्दन कटी दिखी थी वो मर गया था वो उसी टाइम ही खत्म हो गया था वो दिखी बेसक उसे दोस्त की थी बट वो उसी टाइम ही पोजेशन में जो कूड़ा फेंका था वो जिनके घर के बाहर फेंका था उसने जो वहां दिए भी जले थे उन्हीं पर फेंक के मारा और उसी टाइम वो पोजेस हुआ और उसी टाइम ही उसकी जान चली गई थी ये तो खतरनाक कहानी है यार और ये बंदा जिसने आपको स्टोरी भेजी है क्या बताते कितने टाइम पहले की कम कब ये अभी कतार में काम कर रहे हैं दुबई में तो इससे मैंने बोला भी था भाई कुछ आसपास का मुझे भेज दो तो उन्होंने बोला भाई ये चीज ऐसी है नहीं कि मैं उनके पापा से कुछ पूछूँ उनकी बीवी से कुछ पूछू ये कहानी आज से मेरे ख्याल से दो या तीन साल पहले की है अच्छा ज्यादा पुरानी भी नहीं ज्यादा पुरानी नहीं है चौदह दिन तक बता यार बंदा डेड है लेकिन बॉडी पानी पीने का ये तो पहली बार सुना है पानी पिया चालीस बोतल वरना चिकन विकन खाने का तो सुना था वो भी एक दिन में चालीस बोतल एक दिन में भाई सही कह रहे डॉक्टर खून तो होगा ही नहीं बॉडी में पानी पानी है वही था उसके पहले दिन ही सारे सेल्स डिस्टर्ब खत्म हो गए थे जितने भी ब्लड सेल्स थे वाइट ब्लड सेल्स थे सब कुछ भाई नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं कुछ और हो जाए ये ना ये जो स्टोरी है ये आम जिंदगी हर कोई रिलेट कर सकता है एक फॉलोअर सब्सक्राइबर है अपनी उनका नाम है रिधि उनका मेरे पास मैसेज आता है डॉक्टर रिधि पढ़ाई के लिए वो अपनी जो है चंडीगढ़ मूव करती है और वहाँ पे जाने के बाद ना जो पहले तो उनका व्यवहार बताता हूँ मैं जो रिधि थी वो बहुत ही ज़्यादा लेमैन होती है ना कि बहुत ज़्यादा नीची फैमिली से बिलोंग करती है बट इंटरवर्ड किस्म की कि उन्हें ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता आपने डॉक्टर्स का नेचर भी देखा होगा कि वो ज़्यादातर बात नहीं करते नॉर्मली दवाई ली चलो जाओ रिधि जो थी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए चंडीगढ़ मूव करती है ठीक है चंडीगढ़ में ये फ्लैट लेती है और फ्लैट में इनको एक फैमिली मिलती है नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पर रहती रह थी सेकेंड फ्लोर पर एक कमरा दिया जाता है उसमें रहती है तो डेली इनकी मम्मी से रिधि की उनकी मम्मी से डेढ़ डेढ़ घंटा बात होती थी भाई बहनों से आधा पौना घंटा बात होती थी नए नई ये शिफ्ट हुई थी तो मन भी नहीं लगता था बहुत ज़्यादा रिधि का उस टाइम पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं कुछ भी नहीं तो घर पे ही बात हुआ करती थी तो इसने ना जब ये जाती थी अपनी लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने के लिए जाती थी या जहाँ पर हॉस्पिटल में लगी थी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाती थी ये जब भी वापस आती थी ना ये देखती थी फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पाठ चल रही है वो जो फीमेल थी वो कामाख्या देवी की पूजा किया करती थी ठीक है तो क्या हुआ जब भी ये जाया करती थी तो बोल देती थी वो आंटी जो थी नीचे फ्लोर वाली रिद्धि रिद्धि जल्दी इधर आ एक काम करे प्रसाद खा ले तो रिद्धि की मम्मी ने उसे बोला हुआ था कभी भी ना अगर प्रसाद भी है तो उसे आप रख देना उसे खाना मत होता है कईयों के घर में होती है रोक टोक कि कोई चीज दे तो मत खाना ज़्यादा देर रुकना मत अपने पढ़ाई पे ध्यान देना रिद्धि ने बताया कि उसने उस प्रसाद को जाकर ऊपर वाले फ्लोर पर रख दिया ठीक है आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है कुछ हो रहा है तो एक दिन क्या हुआ उन उनका एक लगा लगा था था प्लेटफॉर्म तो है उस एक में बहुत फेमस हुआ था जो अब बैन हो है ठीक है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म ठीक हाँ। है तो वो पूरे दिन उस पर लगा रहता था तो रिद्धि ने बताया कि वो एक दिन नीचे आई तो पूजा पाठ चल रही थी तो आंटी ने क्या करा रिद्धि जल दिया फटाफट तू भी पूजा पाठ में लग जा तो रिद्धि पूजा पाठ को तो नहीं मना कर सकती ना खाने को तो मना कर सकती है तो पूजा पाठ के दौरान उसे ना जब पूजा पाठ खत्म हो गई तो प्रसाद में रिद्धि को दिया लौंग लौंग के दाने और उसमें कुछ राई के दाने थे बोले बेटा इसे खा ले ये बहुत अच्छा रहेगा तेरे शरीर के लिए तो उसने क्या करा रिद्धि ने हाथ में ले लिया हाँ आंटी ठीक है आंटी ठीक है आंटी और उसने क्या करा गेट के बाहर जाके उसको फेंक दिया और ये अपने फ्लोर पे आ गई तो अपने फ्लोर पे आई अच्छा खासा पढ़ रही है। अगले दिन जब ये जा रही थी तो इसकी जो फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी है बोलती है बेटा तूने उस प्रसाद को फेंक दिया तूने खाया नहीं उसे तो ये मनी वन में इसके क्वेश्चन चल रहे हैं इन्हें कैसे पता चला कि मैंने फेंक दिया था ये अपनी मम्मी को बताती है कि ऐसे ऐसे आंटी ने आज मुझसे पूछा तो इसकी मम्मी बोलती है बेटा देख मैं अभी भी यही एडवाइस दूंगी तू पढ़ाई पर ध्यान दे इन सब चीज़ों पर मत दे तो ये शाम को वापस आती है तो फिर पूजा पाठ चल रहा है तो आंटी क्या करती है बर्फ़ी का डब्बा आगे कर देती है और वो बर्फ़ी का डब्बा एक ब्रांड का था तो ये सोचती है ब्रांड में तो क्या दिक्कत होगी थोड़ा सा तोड़ के ही अपने मुंह में रख लेती है उस दिन के बाद ये जिस दिन वो खाया ना इसने उसी दिन के बाद इसके साथ ना अजीब अजीब से इंसिडेंट शुरू हो गए जैसे ये कहीं भी पैर रख रही है ना इसका अपने आप पैर चलते चलते टेबल से लग गया सब्जी काट रही है उंगलियाँ कट गई ठीक है बाल ड्रायर कर रही है तो बाल बहुत टूट रहे हैं दांत में दर्द रहना शुरू हो गया बाल बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है कि आ, उसको एलर्जी हो रही है हाथों में बालों के आसपास ये अपनी मम्मी को बताती है तो इसके मम्मी बोलती है कि मैंने तेरे को मना करा था ना तू मत खाइयो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था पूरे इसके एंटायर लाइफ में जब इसने अपनी मम्मी को ना रख रख के सुनाई थी कि तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई तुम्हें कुछ नहीं है तुमने मुझे घर से निकाल दिया तुम्हें मुझे बस उस घर से चंडीगढ़ भेजना था ताकि तुम लोग मोच मार लो पीछे से इसके कभी एटिकेट्स ऐसे थे ही नहीं इस लड़की के कभी नहीं थे और ये क्या कर रही है ना उस फैमिली के लिए उस फैमिली के लिए इन द सेंस जैसे उस लड़के का फ़ोन टूट गया ये अपनी जेब से तीस हज़ार रुपये का फ़ोन मार्केट से ख़रीद के लेके आई कि ले बेटा ये इसमें देख तू और अपने भाई बहनों को ग्वालिया दे रही है कि तुम मत पढ़ना तुमसे पढ़ाई नहीं होगी तुम कुछ नहीं करोगे निठल्ले हो तुम निठल्ले इस परिवार में मैं ही डॉक्टरी डॉक्टरी करके डॉक्टर बनूंगी और माँ बाप ने तो मुझे वैसे ही भेज दिया मम्मी फ़ोन कर रही है इसने अगले आठ दस दिन के लिए सबको कनेक्शन अपने घर में ख़त्म कर दिया और ये नीचे वालों के पूरे इन्फ्लुएंस में मतलब वो बोल रही है ना कि हमारे ऐसे ऐसे एल खराब हो गया तो क्या हो गया आंटी मैं लेके आऊंगी ना आप भी तो मेरी मम्मी जैसी हो एल खरीद के लेके आ रही है उसके बच्चे को फोन दे दिया कभी हेल्प के लिए तीस हजार रुपए दे दिए कभी एक लाख रुपये दे दिए अपनी सारी सेविंग दे दी अब क्या हुआ बीच में आया कोविड कोविड के टाइम पे जो ये इंटर्नशिप कर रहे थे इन लोगों को एक होटल असाइन कर दिया था कि आप लोग फैमिली के साथ नहीं रहोगे क्योंकि आपको पक्का कोरोना इफेक्ट करेगा और फैमिली तक आ सकता है जब ये बंदी उस होटल में मूव हुई ना रहने के लिए तो धीरे धीरे आठ दस दिन में चीज़ें इसको समझ में आने लगी कि मैं ये करके आ रही हूँ यार मैंने अपनी फैमिली में सबसे इतना ज़्यादा कट ऑफ कर दिया और इसने जब बैंक बैंक बैलेंस देखा कि ये तीन चार लाख रुपए लेके आई थी मात्र तीस हज़ार रुपये रह गए अगर वो नीचे वाली अपने घर में भंडारा करवा रही है तो इसने पचास हज़ार रुपये दे दिए इसने साठ हज़ार रुपये दे दिए कोई कथा करा रही है तो दस हज़ार रुपये दे दिए इसको रियलाइज़ होता है कि मैं अभी तक करके आ रही थी ये रोती रोती अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी मैंने आपको बहुत गलत बोला है उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं तू एक काम कर थोड़े दिनों के लिए घर आ जाए इसका ये बताती है कोविड चल रहा है कोविड में घर तो मैं आ ही नहीं सकती मैं इस फील्ड में हूँ भाई इसको इसकी मम्मी ने बोला तू एक काम कर तेरे कोई नोन में आया ना सिद्ध तो तू उनसे बात कर इसने मेरी वीडियो देख ली ठीक है कि मैं बता रहा हूँ भूत प्रेत के बारे में ऐसे ऐसे और पॉडकास्ट देख लिए अपने बाबा के बारे में तो मेरे पास कॉल आया अब यहाँ से ना एक झटका मेरे पास जब कॉल आया ना इसका तो ये बोली हेलो अक्षय पीछे से एक ब्लर आवाज़ आ रही है हेलो अक्षय अरे और है

कहीं भी पैर लग जाता है उंगलियाँ रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है इसने शिफ्ट कर लिया अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है इसका फोन आया कि अक्षय आप अक्षय बात कर रहे हो और पीछे से आवाज आ रही है आप अक्षय बात कर रहे हो डबल आवाज आ रही आ आ आ आ आ है भाई साहब मैंने इसे बोला कि आ, रिदी शायद आपने ना फोन स्पीकर पे रखा हुआ है तो इसको नॉर्मली आप आ जाओ क्योंकि मेरे को वॉइस रेको होती दिख रही है इसने बोला फोन तो स्पीकर पे नहीं है तो पीछे से पता क्या भाई स्पीकर पे नहीं है भाई मेरे रॉन्ग टेक आपके उस टाइम में मेट्रो में से मेट्रो से निकला था मुझे लगा मेट्रो में कुछ कनेक्शन वो वायरलेस कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी मैंने बोला रिद्धि आप ठीक हो तो बोली हाँ पीछे सारी हाँ भाई जैसे जैसे मैं सुन रहा ना मैं मैं और भी ज्यादा हो रहा हूँ तो आवाज़ थी वो मोटी आवाज़ थी थोड़ी है उसी की ही आवाज़ में रिपीट हो उसकी आवाज़ में नहीं थी वो जैसे अभी मैं बात कर रहा ना हेलो पीछे सारे हेलो जैसे एक

कि देखो रिएक्ट मत करना ठीक है मैं जब भी किसी से बात करता हूँ और मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ प्लीज रिएक्ट मत करना मैंने बोला आपके आसपास कोई चीज है इसने पता क्या बोला मुझे पता है मेरे आसपास कोई है पीछे सवारी कोई है अब ये सोचो ये इसमें मेरे भाई मेरे पे क्या बीत रही है इस चीज में और किसी और दो लोगों से बात तो हो रही है लेकिन फोन एक को मिला उसके पीछे ना एक्चुअली में जब हमने पता करा जब मैंने किसी से बता बात करी उसे बताया तो उसे उसे बताया कि इसके ऊपर कोई प्रेत का साया छोड़ा हुआ है और वो उस प्रसाद के द्वारा ही इसे दिया गया था वो प्रसाद पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ वो डब्बा साइड में रखा था उसके ऊपर कुछ कर दिया और इसे बाहर से जब आई तो एज एज़ इट इज़ इसे खिला दिया लेकिन जब भी मैं उससे बात मैं इतना डर गया था ना मैं सच बता रहा हूँ भरी मेट्रो स्टेशन पर उतर के इतनी भीड़ के बीच में मैंने पता क्या बोला था मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मैं अभी बात नहीं करूँगा जब भी मैं इससे बात कर रहा हूँ ना ये मेरे को बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ पीछे से ऐसा हुआ इस तरीके से लास्ट कब बात हुई आपकी मेरी अभी मुश्किल से चार पांच दिन पहले बात हुई है जब -जब ना मेरे इतने ज्यादा रोंगटे खड़े हो रहे हैं और फिर मैंने किसी से बात करी मैं ऐसे ऐसे हुआ यार पता क्या बोले बोले मत करा कर तेरे इसी चक्कर में ना आस पास चीजें घूमती रहती है मेरे को समझाए मत करा कर तू मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई अभी उसमें एक लड़की ने लिखा हुआ है देखो मैं इन चीजों से बाहर निकली जासी चला ना, ओ मंगला ना, ना, ना और पीछे वो है। वो लड़की अपनी उसका किसी से हुआ होगा उसकी पूरी की पूरी ऑडियो मेरे को भेज दी अरे भाई भी भी पता है जो जब आप ऐसे एक्चुअली किसी को स्टॉप कर रहे होते हेल्प भी कर रहे होते तो हैं कि वो आपको रोकेगी बिल्कुल कि आपको

कि आप जो रिकॉर्डिंग में ले रहे हो ना वो एक्चुअली में किसी के साथ हो रहा है ठीक है तो कहीं आप उसको सोल्यूशन ना दे दो इसलिए वो चीजें आप पे भी हावी होती है और ये चीजें हम पे भी हावी हो जाती है उन दौरान ऐसी अजीब रिकॉर्डिंग आती है एक बार तो मैंने बताया था एक कॉल मेरे पास आया और कॉल आने पे पता क्या हुआ सीधा ना अजीब सा मंत्र शुरू हो गए सीधा अजीब सा मंत्र शुरू हो गए

उसके बाद पाँच मिनट तक मेरा ना इतना डिस्टर्ब रहा मैं हनुमान जी की मूर्ति लेके आया वो जो पंचमुखी होती है उनके सामने मैं बैठा रहा हनुमान चालीसा पढ़ता रहा तब जाके मैं इतना लाइट फील कर रहा था ना ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं हमारे पास कि कुछ भी हमें भेज देते हैं कुछ भी अजीब अजीब से मंत्र आ रहे हैं अजीब अजीब से चीज़ें हो रही है एग्जॉसिसम हो रहा है किसी का उठा के भेज दिया कि ये देखो इतनी नेगेटिव नेगेटिव क्लिप्स आती हैं और फिर स्टोरी भी ऐसी ऐसी आती है भाई भाई ये ये कहाँ पे एंड अप हुआ ये वाली स्टोरी फिर आपने फोन काट दिया उनका फिर मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया था वो केस जो देखने वाले हैं जिनको मैंने आपने बताया था तो उन्होंने बता दिया था ऐसे ऐसे वो जो वो दे वो जो मैडम थी वो फर्स्ट फ्लोर वाली उन्होंने ऐसे ऐसा कर रखा है इससे इलाज करवाने के लिए आपके घर पे यज्ञ होगा ऐसे ऐसे होंगे तो उसकी मम्मी ने बोला कि अभी हम थोड़ा कंसल्ट करके बताते हैं तो वो चीज़ को वहीं पॉज कर दिया और मेरे को तो साफ इंस्ट्रक्शन है तू तो बात करिए मत भाई इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी जाके मीठा मत खाओ और ऐसा हमें कोई बता भी रहा था कि कि भाई नहीं खाना इन चीजों में वाइट वाइट, वाइट चीजें जैसे दूध बर्फी वाइट वाइट चीजें के दाने भी मिले हुए उनमें भी कहते हैं कि कुछ कुछ आप इमेजिन करो ना भाई कि आपको एकदम से कॉल आ रहा है और आप एकदम से बोल रहे हेलो क्या हाल है पीछे से बोलते हैं मैं ठीक उधर से आवाज आ रही ठीक 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 भाई ये बहुत डरावनी चीज है अभी तो सुनने में ही ऐसा लग रहा है ना कि अगर लेकिन होना इंसान के साथ पता है हमारा हम ना ग्रुप में बैठे हैं जब आप अकेले होते हो ना और एकदम ध्यान से सुन रहे होते हो और आपको पता है यार ये चीज हो सकती है क्योंकि जब भी मैं इन चीजों के बारे में और पढ़ने की कोशिश करता हूँ ना तो मेरे को ये चीजें बार बार निकल के आती है ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है तो दिमाग में घर कर गई है लेकिन सच बताऊ भाई जब ऐसी चीज जैसे किसी ने मंत्र चला दिया ना आप पता दस सेकंड क्या बोल रहे और आप इतने इंटू हो जाते हो ना इसमें चल रहा है चल रहा है चल रहा है जब तक आप रियलाइज करते हो कि करंट लगने वाला हो तब तक तो लग गया वो तो शुक्र है कि दस सेकंड में मैंने उसे हटा दिया फोन को ने उसमें पता नहीं ऐसा क्या होगी साला आवाज से वशीकरण हो जाए मैंने आपको गुड़गांव वाला इंसिडेंट बताया था ये कट्टे के नीचे रखा था मैं देखा और मुझे मना करे कैमरा मैन ने इसे मत छूना मैं भाई चल दिया उसे उठाने के लिए ये दोबारा ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं